तो हमारी जो पूरी आई बॉल है, आई बॉल को होल्ड करके किसने रखा हुआ है? स्क्लेरा। स्क्लेरा ये व्हाइट मसल है जो पूरी आई बॉल को होल्ड करके रखा। हमारी जो आई बॉल है, आई बॉल की जो टोटल डायमीटर होती है, एक एवरेज ह्यूमन की बात करें, ये डायमीटर होता है लगभग 0.5 सेंटीमीटर, एवरेज ह्यूमन की बात। और आई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि कभी भी ग्रोथ नहीं होती। एक छोटे बच्चे में जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा एक एडल्ट पर्सन में, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा सेम साइज का रहता है। तो जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट एंटर की, तो सबसे पहले क्या होता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ पे एंटर करेगी? सबसे पहले रे ऑफ लाइट एंटर करेगी सबसे बाहर, आई बॉल का जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो लेयर क्या है? कॉर्निया। यहाँ पे एंटर की कॉर्निया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। कॉर्निया से पहले रे ऑफ लाइट का मीडियम क्या था? एयर। जब कॉर्निया में स्ट्राइक किया तो यहां से अब जो रे ऑफ लाइट का मीडियम होगा वो होगा फ्लूइड। चेंज इन द मीडियम हुआ, तो चेंज इन द मीडियम हुआ तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहीं पे होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया कि हमारी ह्यूमन आई में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। और उसमें ऑप्शन में हमारा लेंस भी होता है, लेकिन लेंस में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखिए, ये लेंस रहा, इसके बाहर क्या है? फ्लूइड। इसके अंदर क्या है? फ्लूइड। और लेंस भी हमारा कैसा है? ये जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टल का बना हुआ लेंस है। तो फ्लूइड से क्रिस्टल में रे ऑफ लाइट आई, तो इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा जितना ज्यादा चेंज यहाँ पे होगा जब रे ऑफ लाइट एयर से फ्लूइड में एंटर करेगी। तो सबसे ज्यादा चेंज इन द मीडियम यहाँ पे होने के कारण मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो हमारी आई में होता है वो कहाँ पे होता है? सबसे पहली वाली लेयर, दैट इज कॉर्निया, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर। ओके, सबसे पहले हेडिंग डालें कॉर्निया। कॉर्निया में लिखे, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, वेयर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन द मीडियम, ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। अब कॉर्निया के बाद रे ऑफ लाइट एंटर की कहां पे? रे ऑफ लाइट एंटर की फ्लूइड। फ्लूइड जो है यहाँ पे, इस जगह जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हमने बोला एक्वस ह्यूमरस भी बोला जाता है। एक्वस ह्यूमर बोलो, एक्वस ह्यूमरस बोलो, एक ही बात। यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसका काम क्या है? आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे आई लेंस है और उसके ऊपर में यहाँ पे है आयरिस मसल। तो इस दोनों के बीच में और कॉर्निया के बीच में, इस तीनों के बीच में एक गैप क्रिएट करना, सो दैट कि इस तीनों की प्रॉपर वर्किंग हो पाए। ये गैप क्रिएट करने का काम किसका होता है? एक्वस ह्यूमर का। सो दैट कि यहाँ पे तीनों की प्रॉपर वर्किंग हो पाए, तीनों एक दूसरे को टच ना करे और तीनों एफिशिएंटली काम कर पाए, ये काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले एक्वस, एक्वस ह्यूमर में लिखो। एक्वस ह्यूमर में लिखो, दिस इज द फ्लूइड,
दिस इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया कॉर्निया आयरिस मसल एंड आई लेंस. आईज मसल एंड आई लेंस फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग. तो ये हो गया इसके बारे में. अब हम लोग आ जाते हैं आईज मसल और प्यूपिल इस दोनों में. नेक्स्ट हेडिंग डालें आईज मसल एंड प्यूपिल. आयरिस मसल और प्यूपल की वर्किंग कैसे. अगर हम बात करें इन द केस ऑफ डिम लाइट, यहाँ पे कम लाइट, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारी आयरिस मसल है, ये जो आयरिस मसल है, ये आयरिस मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है. केस ऑफ डिम लाइट आयरिस मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाती है और छोटी हो जाती है, इस तरह से एकदम छोटी सी हो जाएगी रिलैक्स्ड फॉर्म में, तरह से एकदम छोटी सी हो जाएगी. तो उसके बीच का जो गैप है, आयरिस मसल के जो बीच का गैप है, जिस गैप को हमने नाम दिया था प्यूपिल, वो गैप यहाँ पे बढ़ जाता है. ये गैप देखिए, इसके बीच का जो ये गैप है, इसी गैप को बोला जाता है प्यूपिल. आयरिस मसल हो गया छोटा, प्यूपिल हो गया, उसके बीच का गैप हो गया बड़ा. प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, प्यूपिल कोई आई का ऑर्गन नहीं है, प्यूपिल इज द गैप. ठीक है, ये जो गैप है इसके बीच का, इस गैप को ही प्यूपिल बोला जाता है. दिस गैप बिटवीन आयरिस मसल. इसको हमने बोला प्यूपिल. तो इस केस में क्या होगा, डिम लाइट के केस में ये जो प्यूपिल है ये इनलार्ज हो जाता है. प्यूपिल इनलार्ज हो गया, आयरिस मसल है ये आयरिस मसल हो गया छोटा शॉर्टन, प्यूपिल बड़ा हो गया जो गैप है, और जो आयरिस मसल है वो आयरिस मसल, ये वाली मसल आयरिस मसल, आयरिस मसल हो गया छोटा. अब इससे फायदा क्या होगा, ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी. ये जो गैप है आप यहाँ पे देखो, अगर ये गैप बड़ा हो जाए इसके बीच का, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी, और ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी मतलब क्लियर इमेज की फॉर्मेशन हो पाएगी, सो दैट मोर लाइट विल एंटर इनटू लेंस टू फॉर्म क्लियर इमेज, फॉर्म क्लियर इमेज. लेकिन अगर हम बात करें इन द केस ऑफ ब्राइट लाइट, इन केस ऑफ ब्राइट लाइट, तो ब्राइट लाइट के केस में क्या होता है कि ये जो आयरिस मसल है वो आयरिस मसल स्ट्रेच्ड फॉर्म में आ जाए, बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड फॉर्म में आ जाए.
आयरिस मसल हो गया स्ट्रेच और प्यूपिल हो गया छोटा। इससे फायदा क्या हुआ, कम लाइट एंटर होगी और रेटिना डैमेज नहीं, लेस लाइट विल एंटर। इनटू रेटिना लेस लाइट विल एंटर इनटू रेटिना और ये जो है रेटिना को डैमेज होने से बचाएगा। आयरिस मसल है तो मसल, तो क्या ये तुरंत, ये जो स्ट्रेच्ड कंडीशन है स्ट्रेच्ड कंडीशन से रिलैक्स्ड कंडीशन में तुरंत आ जाएगा या फिर टेक टाइम, थोड़ा है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसलिए आप जब सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे आपकी आई को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। सिनेमा हॉल का मतलब क्या हुआ, डिम लाइट का कंडीशन है ना, डिम लाइट का कंडीशन। तो इस कंडीशन में आने में थोड़ा जो टाइम लगता है उस टाइम में हमें बहुत कम दिखता है। क्यों कम दिखेगा, देखो आप जब सिनेमा हॉल के बाहर थे तो आपकी आई का पिपिल का ये कंडीशन था, छोटा था वो। सिनेमा हॉल में गए, अब उसको बड़ा होना है, प्यूपिल को मतलब आयरिस मसल को रिलैक्स्ड होना है, छोटा होना है, तो यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है। वही जो 1-2 मिनट का टाइम लगता है ना उस बीच में, चूंकि प्यूपिल छोटी है तो वहां पे कम लाइट एंटर करेगी तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। इसका अपोजिट सोचो, आप रात में सोए हुए हो, ठीक है, रूम में अंधेरा करके सोए हुए हो और अचानक, सोए हुए का मतलब ये वाली कंडीशन है, डिम लाइट है रूम में और अचानक किसी ने आके रूम में लाइट जला दिया, अब क्या होगा, प्यूपिल बड़ा सा है उस वक्त और किसी ने लाइट जला दिया तो क्या होगा, अचानक बहुत सारी लाइट एंटर करेगी लेंस में, तो आप तुरंत आई को क्लोज करते हो। आई को जो क्लोज करते हो इसीलिए क्लोज करते हो क्योंकि अगर ज्यादा लाइट वहां से एंटर करेगी तो वहां पे आई की जो रेटिना है वो डैमेज हो सकती है, तो हम लोग तुरंत अपनी आई को बंद करते हैं। ये रहा रीजन, समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को है। अब इस आई लेंस के बारे में अगर सोचो तो ये आई लेंस जो क्रिस्टलाइन आई लेंस है हमारी आई का, ये कैसा लेंस है कि इस लेंस को यूज करके हम दूर की चीज भी देख लेते हैं और नजदीक की चीज भी देख लेते हैं। दूर की चीज मतलब कितनी दूर तक हम देख पाते हैं, इन्फिनिटी तक। चांद को देखते हैं, तारों को भी देखते हैं, अब उससे ज्यादा क्या चीज, उससे ज्यादा तो देखना नहीं है, मतलब इन्फिनिटी हो ही गया। और नजदीक में देखिए कितना नजदीक देख लेते हैं, सबसे क्लियर नजदीक का वो डिस्टेंस जो हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेस ऑन आवर आई, दैट इज 25 सेकंड। ऐसा नहीं 25 से अंदर नहीं देख सकते, देख सकते हैं बट दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस में हम विदाउट स्ट्रेस ऑन आर आई देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की बात करें दैट इज 25 सेंटीमीटर, और जो फार्देस्ट पॉइंट है दैट वी कैन सी डिस्टिंक्टली दैट इज इंफिनिटी, फार ऑफ पॉइंट, जो नॉर्मल ह्यूमन की बात करें दैट इज फार ऑफ पॉइंट। और वो दोनों ही चीजें हम लोग एक लेंस को यूज करके, इसी लेंस से हम दूर की चीज भी देखते हैं, इसी लेंस से नजदीक की चीज भी देखते हैं। मतलब आप सोचिए कि सोचने के साथ इसकी लेंस की थिकनेस चेंज हो जाए, सोचने के कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इस लेंस में, दुनिया में आज तक कोई ऐसा लेंस नहीं बना, मतलब आर्टिफिशियल लेंस में ऐसा कोई लेंस अभी तक बनाया नहीं जा सका है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि सोचने के साथ ही उसकी फोकल लेंथ चेंज, है ना, कमाल की बात। तो जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं फार फार पॉइंट फार ऑब्जेक्ट, तो वैसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऐसी कंडीशन में हमारी जो लेंस होती है वो थिनेस्ट कंडीशन में लेंस होगी, इन थिनेस्ट कंडीशन जब हम दूर की चीज देख रहे हो। अच्छा, लेंस को थिन बनाने के लिए, इसको थिनेस्ट कंडीशन में लाने के लिए, जैसे ये लेंस है, मान लो कि ये लेंस,
इसको ऊपर से और नीचे से किसने होल्ड कर रखा है? देखो ये काम तो सिलियरी मसल का ही होगा ना, इसको थिन और थिक बनाने का सिलियरी मसल ही तो कर रहा होगा। तो इसको थिन बनाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर से खींचना होगा, नीचे से खींचना होगा, तभी तो ये थिन बनेगा। इसका मतलब आप मेरे फिंगर पे अगर ध्यान दो, ये वाली फिंगर पे ध्यान दो, नीचे वाली फिंगर पे ध्यान दो, इसको खींचने के लिए क्या होगा? ये फिंगर छोटा हो, मतलब क्या सीलियरी मसल छोटा होगा दूर की चीज देखने के। दूर की चीज देखने के लिए सीलियरी मसल शॉर्टन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सीलियरी मसल है, स्मॉल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, सीलियरी मसल शॉर्टन हो जाता है। शॉर्टन का मतलब है ये आ जाता है रिलैक्स की कंडीशन, ठीक है? सीलियरी मसल यहाँ पे आ जाएगा रिलैक्स की कंडीशन छोटा होने का। अच्छा थिन लेंस, यहाँ पे तो थिन लेंस आप बताओ, तो थिन लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। थिन लेंस है अगर, तो थिन लेंस का मतलब क्या है? वो बड़े से सर्कल का पार्ट होगा, और बड़े से सर्कल का पार्ट होगा मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब क्या? रेडियस ऑफ फोकल लेंथ भी उसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ है दैट इज हाइएस्ट इन दिस कंडीशन। और हमने पढ़ा है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ हाईएस्ट हुआ तो पावर क्या होगा? लीस्ट होगा। पावर यहाँ के कंडीशन में लीस्ट होगा। कितनी लीस्ट? लीस्ट तो ठीक है, लेकिन कितनी? जब हम इंफिनिटी की चीज देख रहे होते हैं तो, इंफिनिटी की चीज देख रहे होते हैं तो पावर कितनी? अच्छा आप सोचिए जरा एक बार, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, इंफिनिटी से पैरेलल रे आएगी, क्या ये पैरेलल रे रेटिना पे आके कन्वर्ज होगी? तभी तो रेटिना पे ही तो इमेज बनेगा ना, जितने भी इमेज बनेंगे रेटिना पे बनेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। क्या ये 2.5 सेंटीमीटर इस लेंस का फोकल लेंथ हो गया? ये इस लेंस का फोकल लेंथ हो गया। कब हुआ? किस कंडीशन में फोकल लेंथ हुआ? जब हम कहां की चीज देख रहे हैं? इन्फिनिटी इन्फिनिटी की चीज। तो फोकल लेंथ हो गया यहाँ के कंडीशन में 2.5 सेंटीमीटर, व्हिच इज द हाईएस्ट वन। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 100, हुआ ना? तो अगर हम पावर निकालें तो पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/2.5/100। दिस मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 40। मतलब हम दूर की चीज, जब इन्फिनिटी की चीज देख रहे हैं उस वक्त हमारे आई लेंस जो पावर होती है दैट पावर इज 40 डायोप्टर। ये रहा आपके सामने है जी, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जहां पे कन्वर्ज होती है उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं इसका, जो वही कंडीशन तो है। तो ये हो गया जब हम दूर की चीज देख रहे हैं, तो सीलियरी मसल होगा रिलैक्स्ड कंडीशन में छोटा होगा, लेंस हमारा थिनेस्ट होगा, फोकल लेंथ हाईएस्ट होगा दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और पावर यहाँ पे लीस्ट होगी दैट इज 40 डायोप्टर। अब जब हम नजदीक की चीज देख रहे होंगे इसी लेंस को यूज करना है फॉर नियर बाय ऑप्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब यू यहाँ के केस में है -25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। सबसे नजदीक की वो डिस्टेंस जो हम लोग विदाउट स्ट्रेस MRI देख सकते। इस कंडीशन के लिए हमारी जो आई लेंस होती है वो आई लेंस थिकेस्ट कंडीशन में होती है। और अगर थिकेस्ट करना हो, मान लीजिए कि ये आई लेंस है बीच वाला, इसको थिक करना हो तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? ऊपर से इसको पुश करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऊपर से पुश करेंगे, नीचे से भी
जो सिलियरी मसल है वो नीचे से इसको पुश करेगी। जब इसको पुश करना पड़ेगा तो ये क्या ऊपर वाली जो सिलियरी मसल है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ गई। देखो तो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो गई। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जो सीरियरी मसल है वो आ जाएगी स्ट्रेच्ड कंडीशन। यहाँ पे सीरियरी मसल आ गया कौन सी कंडीशन में बच्चों? स्ट्रेच्ड कंडीशन। और यहाँ पे जो आई लेंस है ये हो गया थिकेस्ट कंडीशन। आई लेंस थिकेस्ट कंडीशन हो। अच्छा इस थिकेस्ट इससे ज्यादा थिक नहीं होगा, इससे ज्यादा थिक नॉर्मल कंडीशन में होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो विदाउट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी, देखो अब थिक थिक लेंस का मतलब क्या हुआ? एक छोटे से सर्कल का पार्ट है। छोटे से सर्कल का पार्ट होने का मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ विल बी लीस्ट। और फोकल लेंथ अगर लीस्ट है तो पावर यहाँ का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। ठीक है, कितनी हाईएस्ट? एक बात बताओ क्यों क्या है इस कंडीशन? -25 फिक्स है। बी क्या है इस कंडीशन में? देखिए 2.5 है ना, तो वहीं पे बनना है। ऑब्जेक्ट चाहे जहां कहीं पे भी रहे इमेज वहीं बनना है, रेटिना पे ही। वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इमेज रेटिना पे बनेगा तभी क्लियर दिखेगा। सारे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो रेटिना पे ही तो है, तभी ना इमेज बन दिखेगा हमें। तो ऑब्जेक्ट चाहे जहां कहीं पे भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता 2 मीटर पे है कि 10 मीटर पे है कि 1 किलोमीटर पे है कि इंफिनिटी पे, चाहे कहीं पे भी रहे ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी। V will be fixed and that is 2.5 seconds. Okay, क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो आपको V पता है इस कंडीशन में दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, U पता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर U और V दोनों पता है तो क्या हम F निकाल सकते हैं? निकाल के देखिए क्या आ रहा है। और F निकल जाए तो पावर भी निकाल लीजिएगा। फार्मूला पे पुट कीजिए, 1/V - 1/U = 1/F। और एफ निकालिए यहां से कितना आ रहा है? 25/9। पावर यहां के केस में जो आएगा दैट विल बी 44 डायोप्टर। मतलब हमारी आई की जो रेंज है देखने की वो 40 डायोप्टर से लेकर के 44 डायोप्टर के बीच में। फार्देस्ट पॉइंट के लिए इट इज 40 डायोप्टर और नियरेस्ट पॉइंट के लिए इट इज 44 डायोप्टर। इसको बोला जाता है नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये विदाउट स्ट्रेस होगा। इसको बोला जाएगा फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट। ड्रॉ कर लिया, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। अच्छा ये जो कैपेबिलिटी है हमारी आई लेंस टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर विदाउट स्ट्रेस ऑन आर आई, ये कैसे हो पाया? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। किसने किया? सीलियरी मसल ने। ये जो एबिलिटी है हमारी आई की, इस एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? दिस इज द एबिलिटी ऑफ आर आई लेंस टू सी
ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर विदाउट स्ट्रेस बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लाइक व्हाट? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो पावर ऑफ एकोमोडेशन। Ability of our eye lens to see far off object at infinity and nearby object at 25 centimeter without stress on our eye by changing the focal length with the help of ciliary muscle is called पावर ऑफ एकोमोडेशन। और अगर मान लीजिए किसी पर्सन कोई पर्सन जो है दूर की चीज तो क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन अगर नजदीक की चीज क्लियरली नहीं देख पा, इसका मतलब इस सिलियरी मसल को इस कंडीशन से इस कंडीशन में चेंज आने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर नहीं चेंज हो पाया सिलियरी मसल रिलैक्स कंडीशन से, अगर स्ट्रेच कंडीशन में नहीं आ पाया, तो क्या वो पर्सन दूर की चीज देख पाएगा, सॉरी नजदीक की चीज देख पाएगा? तो अगर नहीं देख पाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मायोपिया। क्या बोल, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया। इस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। दूर की चीज तो देख पा रहा क्लियरली, नजदीक की चीज क्लियरली नहीं देख। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो मोबाइल, हम लोग जैसे नॉर्मल मोबाइल को ऐसे देखते हैं, अब वो ऐसे नहीं देख पा रहा, वो ऐसे करके देख रहा है। ऐसा देखा कुछ लोगों को देखते हुए, नजदीक नहीं पढ़ पाते, दूर थोड़ा ले जाके पढ़ते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है दैट शुड बी 25 सेंटीमीटर, लेकिन इस कंडीशन में वो नियर पॉइंट दूर चली गई है, मान लो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे चली गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नियर पॉइंट दूर चली गई है ना। अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट यहां पे रहने दें, लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को 40 पे बना दें तो क्या उस पर्सन को दिखने लगेगा? समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, तो फिर से ये सिचुएशन समझ में आया? दूर की चीज तो क्लियर देख रही है, देख रहा है वो पर्सन, नजदीक की चीज नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि सिलियरी मसल रिलैक्स से स्ट्रेस्ड कंडीशन में नहीं आ पा रहा। इस कंडीशन से इस कंडीशन में आएगा तभी तो वो नजदीक की चीज देख पाएगा, वो नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ रहा। नॉर्मल पर्सन के लिए नियर बाय नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, वो पर्सन 25 पे नहीं देख पा रहा। कहाँ पे देख पा रहा है? 40 सेंटीमीटर। जब हम ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर ले जा रहे हैं वो पर्सन देख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यही रहने दें, इमेज उसकी अगर 40 पे बना दें, तो क्या उस पर्सन को दिखने लगेगा? एक सिचुएशन पे याद कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ वन, याद आया? एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई एफ टू से पास किया,
दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, दोनों रे डाइवर्जिंग। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ओ, और इसकी इमेज ये बनी यहां पे। अब यहां पे बनी इमेज, अभी हमने सिचुएशन लिया था कि ऑब्जेक्ट तो है 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज को हमने कहाँ बना दिया, -40 सेंटीमीटर पे। अब बताओ उस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, उस पर्सन को क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। और जब इमेज दिखेगा तो अब ये डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमीटर पे, अब उस पर्सन को दिखने लगेगा। नहीं समझ में आया अभी भी, क्या हुआ, साइलेंट क्यों, नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम क्या थी, हाइपरमेट्रोपिया, नजदीक की चीज नहीं दिख रही थी, ये रहा नजदीक की, उस कहां पे दिख, कहां पे रही, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने वही रहने दिया, ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बना दिया, 40 सेंटीमीटर पे बना दिया। उसके लिए हमने एक प्रॉपर लेंस दी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला सिचुएशन क्या है, तो इमेज यहाँ पे बन गया 40, अब 40 पे बन गया, ये रहा उसकी आई का पोजीशन, ये वाला लेंस, ये उस आई के सामने एक छोटा एक दूसरा कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, इमेज कहाँ बन गया, 40 पे। अब इसके लिए, इस आई के लिए जो ह्यूमन आई है उसके लिए ये तो नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, ये दिखेगा। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, 40, अब उसको दिखने लगेगा। ये हो गया इसका हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन। हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, क्योंकि यहां से थोड़ा समझना आसान है, इसलिए मैंने आपको समझाया। चलो अब एक दूसरे सिचुएशन, मान लीजिए कि किसी पर्सन को नजदीक की चीज क्लियरली दिख रही, लेकिन नजदीक की चीज से दूर की चीज क्लियरली नहीं दिख रही। मतलब सपोज करो किसी बच्चे को पीछे में बैठ के बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन कॉपी में क्या लिखा हुआ वो उसको क्लियर दिख रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल परफेक्ट है, इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलियरी मसल इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं जा पा रहा, तो अगर सीलियरी मसल स्ट्रेच से रिलैक्स कंडीशन में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो दूर की चीज को नहीं देख पाएगा। अब दूर की चीज नहीं देख पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। सपोज करो कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है। मान लीजिए कोई मायोपिक पर्सन है जिसका कि फार पॉइंट इन्फिनिटी से घट करके कहां पे आ गया है, 50 सेंटीमीटर, मान लेते हैं अभी 50 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसा करें, उस पर्सन के लिए एक ऐसा लेंस लगाएं, देखिए कॉनकेव लेंस में याद कीजिए, कॉनकेव लेंस में जब पैरेलल रेज आती है तो पैरेलल रे डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होकर के जिस पॉइंट से आती हुई अपियर होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। याद है इतना सबको, क्लियर है। मान लीजिए किसी पर्सन का, किसी पर्सन का फार पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, अगर उस पर्सन को हमने एक ऐसा लेंस दे दिया जिस लेंस का फोकल लेंथ हो -50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50 सेंटीमीटर, अब बताओ तो इंफिनिटी की इमेज कहाँ बनेगी, -50 सेंटीमीटर पे बनेगी इंफिनिटी की इमेज। तो अगर -50 सेंटीमीटर पे बनेगी इंफिनिटी की इमेज, तो उसको इंफिनिटी का इमेज दिखने लगेगा, दिखने लगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन मायोपिया का है, इस कंडीशन में डायरेक्टली उस पर्सन का जो फार पॉइंट होता है उसी फार पॉइंट को हम उसके करेक्टिव लेंस का फोकल लेंस बनाते हैं।
उस पर्सन को इंफिनिटी का चीज दिखने लगा। अब बाकी जितने इमेज हैं वो सब इंफिनिटी से पहले ही होंगे, इसका मतलब सबकी सब इमेज इस बीच में बन जाएगी और उस पर्सन को हर एक इमेज। समझ में आया? दिस इज द कंडीशन ऑफ माइंड मॉडल। ओके, और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग रेटिना, नेक्स्ट हेडिंग डालें रेटिना, एज स्क्रीन बिहेव करेगा, स्क्रीन पे बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल की वर्चुअल? रियल होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है ना, इन्वर्टेड, इसका मतलब रेटिना पे, आपके रेटिना पे मानो शब्द उल्टे नजर आ रहे होंगे, हैं? आ रहे हैं नजर उल्टे? हाँ, तो इमेज तो उल्टा बनता है क्योंकि ये एक्चुअली रेटिना इज बिहेविंग लाइक ए स्क्रीन, तो स्क्रीन पे बनने वाली हर एक इमेज इन्वर्टेड होती है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां से इमेज की जो मैसेज होती है वो ट्रांसफर कौन करता है? एप्टिकनर। कहां तक ट्रांसफर करता है? ब्रेन। अब ब्रेन इसको एनालाइज कर, और एनालाइज करके इसको फिर से करेक्ट कर, जो भी इमेज की फॉर्मेशन होती है उस इमेज को ऑप्टिक नर्व यहां से एनालाइज करके फिर करेक्ट करता है, तब हमें मैसेज मिलता है कि हम कौन सी चीज देख रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे देख रहे हैं। चलिए, दो आई होने का फायदा क्या है? क्या एक आई से काम नहीं चल सकता था? दो आई का फायदा क्या है? दिखाऊं आपको फायदा क्या, देखना चाहते हो आप लोग क्या फायदा है? पेन है आपके हाथ में, पेन में हाँ कवर भी है, हाँ? कोई पेन में कवर है, दोनों हाथ को ऐसे सीधा करो और एक आई बंद कर दो, एक आई बंद करो, करो बंद करो, अब पेन को कवर में लगाने की कोशिश करो। कितने लोगों का बंद हो गया, कितने लोगों का नहीं हुआ? किसी का नहीं? ऐसे कैसे हो, संभव ही नहीं। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ, 50% जनता झूठ बोल रही, पॉसिबल ही नहीं है। हो गया ऐसा क्यों हुआ, एक बार में या दो बार में करना पड़ा या तीन बार में करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक आई से कभी भी हमें हाइट और डिस्टेंस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता, दोनों चीज का एग्जैक्ट आइडिया कभी नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल व्यू नहीं आती, एक आई से कभी थ्री डायमेंशनल व्यू नहीं आती, टू डायमेंशनल व्यू आती। तो जब हम दोनों आई से देखते हैं ना, तो दोनों व्यू कंबाइन होकर के तब थ्री डायमेंशनल बनता है, तब हमें हाइट और लेंथ का एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे दो आई से क्या होता है कि दो आई से हम लोग जो है डिस्टेंस और हाइट का एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। अच्छा आप लोग सुनो, रेटिना बिहेव्स एज स्क्रीन। रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है रॉड सेल, और दूसरा सेल होता है जिसको बोला जाता है कोन सेल। रॉड सेल का स्ट्रक्चर ही रॉड की तरह होता है और कोन सेल का स्ट्रक्चर ही कॉनिकल होता है। दोनों प्रेजेंट हैं रेटिना पे। रॉड सेल जो है इट फॉर्म्स इमेज एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ये इमेज की फॉर्मेशन करता है, कौन? रॉड सेल। और जो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इमेज की फॉर्मेशन होती है तो इट फॉर्म्स ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, मतलब यहां पे कोई कलर की सेंसेशन नहीं आती,
रॉड सेल से कोई कलर की सेंसेशन नहीं आती, नो कलर सेंसेशन। इसको एक्टिवेट करने के लिए, रॉड सेल सेल को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, जिस एंजाइम को बोला जाता है रोडॉप्सिन। इट नीड्स एन एंजाइम रोडॉप्सिन। रोडॉप्सिन नाम का एंजाइम चाहिए, और जिसमें रोडॉप्सिन कम होगा उसमें क्या होगा? रोडॉप्सिन बनाने के लिए एक विटामिन चाहिए जिसका नाम है विटामिन ए। क्या होगा? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। किसके लिए? इट नीड्स रोडॉप्सिन के लिए इट नीड्स विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो रोडॉप्सिन नहीं बना, रोडॉप्सिन नहीं बना तो रॉड सेल एक्टिवेट नहीं हुए, और रॉड सेल एक्टिवेट नहीं हुए तो क्या होगा सोचिए? डिम लाइट के केस में वहां पे इमेज ही नहीं बनेगी। इस डिम लाइट, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि रात में दिखेगा, रात में तो किसी को नहीं दिखता, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, रात में किसी को भी नहीं दिखता। यहाँ पे एक्चुअली हम बात कर रहे हैं डिम लाइट के केस। थोड़ा सा अंधेरा हुआ उस पर्सन को दिखना बंद। क्या बोलिए? रिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल हो, आराम से विटामिन ए फिर से लेना शुरू करेगा, फिर से उसमें जो है बनने लगेगा। इसकी जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होगा, शाम के टाइम में नहीं दिखेगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब यहाँ पे शाम से है, शाम के टाइम में नहीं। कौन सेल तीन तरह के होते हैं? रेड के लिए, ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए। ये इस तीन के लिए होते हैं। तीन अलग अलग तरह के रॉड सेल्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है रेड के लिए, दूसरा होता है ब्लू के लिए और तीसरा होता है ग्रीन के लिए। ये तीनों की डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है, इट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स कलर्ड इमेज सेंसेशन। ये कलर्ड इमेज सेंसेशन प्रोवाइड करता है, इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसमें कभी कभी डिजीज होता है जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, बट कलर ब्लाइंडनेस जो है वो किसी चीज की डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, दैट इज द जेनेटिक डिजीज। जीन में प्रॉब्लम हुआ अगर, रेड के लिए जीन ही नहीं, रेड के लिए जीन नहीं है तो क्या हुआ? रेड वाला कौन सेल ही नहीं बना, रेड वाला कौन सेल नहीं बना तो क्या होगा? उसको रेड दिखेगा ही नहीं, तो फिर रेड कलर का क्या होगा? रेड कलर ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ज्यादातर तो रेड से ही होता है, ब्लू ग्रीन का भी होता है, कम होता है, लेकिन रेड का ज्यादा होता है। इसकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कलर ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में लिखिए, इट कैरीज, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। ब्रेन
एट रेटिना ग्रे। सुनिए, ये पूरा का पूरा पार्ट रेटिना है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट रेटिना है ना। लेकिन जब भी हमें किसी चीज को देखना होता है, तो जैसे इस पेन को देखना है तो हम आई को इधर लेकर के जाते, किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, उधर की तरफ देखते। तो जब ये इतना पूरा रेटिना है, तो फिर हम अब आई की लेंस को सामने क्यों लेके जाते, इसके पीछे क्या रीजन है? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये पूरा रेटिना, अगर इधर से भी लाइट आए तो भी इमेज बनेगी, इधर से भी लाइट आए तो भी इमेज बनेगी, इधर से भी लाइट आए तो भी इमेज बनेगी, फिर हमें सामने देखने की क्या जरूरत पड़ती? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये वाला वो पार्ट है जहां पे मैक्सिमम रॉड सेल एंड कोन सेल प्रेजेंट। वन वाला पार्ट फोविया वो पार्ट है जहां पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होंगे। और जब मैक्सिमम नंबर होंगे तो क्या मतलब क्या हुआ इसका? सबसे ज्यादा क्लियर इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी? फोविया पे होगी। इसीलिए इमेज तो हम इसको देख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका इमेज मेरी रेटिना पे नहीं बना, बन रहा। लेकिन क्लियर इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें उसकी तरफ देखना हो, सो दैट ये और ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। और जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो क्या होगा? हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? सबको क्लियर है? देखो, फोविया में लिखो, दिस इज द पार्ट ऑफ रेटिना, दिस इज द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट सो देयर विल बी मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्म, देयर विल बी मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट। एक ये वाला भी पार्ट है रेटिना पे जिसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है? ये वो पार्ट है जहां पे कि कोई रॉड सेल कोन सेल ही नहीं है। जब रॉड सेल कोन सेल है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे इमेज बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट में लिखे, दिस इज दैट पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ रेटिना दिस इज द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर देयर इज नो रॉड रॉड एंड कोन सेल। तो इमेज विल नॉट बी फॉर्म, इमेज विल नॉट बी। अच्छा, एक बात बताओ, पूरा आई तो पढ़ लिया, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पिक्चर क्लिक किया गया, खासकर फ्लैश फ्लैश में, और उसमें जो है आई के बीच वाला पार्ट रेड दिखता है? ऐसा कोई फोटो देखा है? क्यों दिखता? अच्छा चलो, उससे पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर दो, सबकी आई का कलर अलग अलग होता है ना? बहुत सारे लोगों का, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है ना, अलग अलग। पर वो कलर किसका है? आई का। किसका? आई में किस पार्ट का? आयरिस का। आयरिस का जो अलग अलग कलर है ड्यू टू इट्स डिफरेंट पिगमेंटेशन, वो जो डिफरेंट अमाउंट में पिगमेंटेशन होती है, उसी डिफरेंट अमाउंट में पिगमेंटेशन का ही अलग अलग कलर होता है, जो किसी भी दो पर्सन का सेम नहीं होता। रेटिना स्कैन होता है ना,
किस चीज का स्कैन होता है? एक्चुअली वो आयरिस मसल का। तो आयरिस मसल का कलर जो होता है ना, वही आई का कलर होता है। लेकिन उसके भी बीच में ये वाला पार्ट, ये वाला बीच वाला, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट हमेशा सबका ब्लैक। कितना पार्ट हमेशा ब्लैक, ऐसा क्यों? वहां पे कुछ तो है ही नहीं, तो फिर वो ब्लैक क्यों है? वो तो गैप है ना, गैप है ना, गैप ही तो है वो प्यूपिल। फिर वो सबका ब्लैक क्यों है? एक बात बताओ, इसका टी शर्ट ब्लैक क्यों है? बताओ बताओ, रीजन बताओ। लाइट वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती, समझ में आया? रीजन, वहां पे लाइट सिर्फ अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। जहां से लाइट बाहर नहीं आती, रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं होता, वो चीज हमको ब्लैक नजर आता है। अब जहां से लाइट सिर्फ अंदर जाती है, बाहर आती ही नहीं, तो वो आपको हमेशा कैसा नजर आएगा? हर पर्सन का कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा, समझ में आया? और यही पे अगर बहुत तेज लाइट डाल दो, तो बहुत तेज लाइट, फ्लैश की लाइट अंदर गई, टकराई कहां से? रेटिना से वापस आई। तो इतनी तेज लाइट थोड़ी ना अब्जॉर्ब करेगा, कहां से टकरा के वापस आ रही है? कहां से? रेटिना में क्या है? ब्लड ओके वेसल है ना, ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल से ही तो टकरा के वापस आ रही है, तो रेड तो दिखेगा, समझ में आया? रेड क्यों दिखता है फ्लैश में? क्लियर सबको? और कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है? एक मिनट, नया स्कोर टाइम स्कोर नोट डाल करके लिख दो। डिफरेंट आई कलर्स, डिफरेंट आई कलर्स ऑफ डिफरेंट पर्सन इज ड्यू टू द पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन ऑफ आयरिस मसल, पिगमेंटेशन ऑफ आयरिस मसल। ओके बच्चों।